पूरी दुनिया में 13% लोग जो हैं वो मोटापे के शिकार हैं, जिसमें पुरुषों की बात करें तो 11% और स्त्रियों की बात करें तो 15%। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पिछले 20 सालों में मोटापा जो है वो 8% से लेके 15% तक जा चुका है। मतलब के आज इंडिया में हर 100 में से 15 लोग जो है वो मोटापे के शिकार हैं। और अगर हम चाइल्ड ओबेसिटी की बात करें, बच्चों में मोटापे की बात करें, तो वो भी 15% है। मतलब हर 100 में से 15 बच्चे जो है वो मोटापे के शिकार है और चाइल्ड ओबेसिटी में इंडिया दूसरे स्थान पे है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे मोटापा किन कारणों से होता है, आयुर्वेद में मोटापे के क्या समाधान अवेलेबल है, और अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पेशेंट के इंटरव्यूज के जिन लोगों ने हमारे ट्रीटमेंट के माध्यम से अपनी ओबेसिटी को ठीक किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, हम मोटापे की बात करें, जब मोटापा हमारी बॉडी में आने की शुरुआत होती है तो सबसे पहले वो हमारे पेट पे आता है, हमारा स्टमक बड़ा होने लगता है। उसके बाद मोटापा जब बढ़ता है तो ब्रेस्ट पार्ट यानी कि चेस्ट जो है वो बड़ा होने लगता है, और उसके बाद लास्ट में हिप्स जो है, ये हिप्स का पोर्शन बढ़ने लगता है। ये 3 प्लेसेस पे मोटापा सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब हम देखते हैं मोटापा होने के क्या क्या कारण है। मोटापा होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ओवर ईटिंग को माना जाता है। मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खाना, भूख ना लगी हो तब भी खाना खाना, और बहुत फास्ट खाना खाना, स्पीड में खाना खाना, इसकी वजह से मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखने जाएं तो शरीर में वात और कफ वर्धक आहार का ज्यादा सेवन करना, जैसे कि राजमा है, फास्ट फूड है, स्वीट्स है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ऐसा जंक फूड है, ये सब चीजों का ज्यादा सेवन करने से मोटापा बढ़ता है। जिन लोगों की लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब जो लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की बिल्कुल कमी होती है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उन लोगों में भी ओबेसिटी बढ़ने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो लोगों को बहुत ज्यादा नींद मिलती है या जो लोगों को बहुत कम नींद मिलती है, कुछ लोग पूरा दिन सोते रहते हैं, कुछ लोगों को बहुत कम नींद मिलती है, ये दोनों कारण की वजह से ओबेसिटी जो है वो ज्यादा आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम देखने जाए, जिन लोगों को हाइपोथायरॉइडिज्म है, जिनको डायबिटीज है, जिनको पीसीओडी की तकलीफ है, इन लोगों में भी मोटापा ज्यादा देखने को मिलता है। थायराइड, डायबिटीज और पीसीओडी, इस तीनों का हमने वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाला हुआ है। उन तीनों वीडियो का लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो लोग एंटी डिप्रेशन की दवाइयां पीते हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन पीते हैं, या लॉन्ग टाइम स्टीरॉइड्स का सेवन करते हैं कोई बीमारी की वजह से, उन लोगों में भी मोटापा बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो लोग रेगुलर जंक फूड का सेवन करते हैं, जिन लोगों की हेरिडिटी होती है, कुछ लोगों के दादा, परदादा, पापा, मम्मी, सब लोग फैमिली में मोटे होते हैं, तो हेरिडिटी की वजह से भी मोटापा आते हुए देखा जाता है। कुछ लोगों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से और कुछ लोगों में हाई प्रोटीन डाइट की वजह से मोटापा आते हुए देखा जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ कारण बताए मोटापे के। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आयुर्वेद के हिसाब से मोटापा किस तरीके से आता है। आयुर्वेद में मोटापे को स्थौल्य रोग कहा जाता है। स्थौल्य का जो रोग है, आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है, जब एक इंसान वायुवर्धक आहार का सेवन करता है और वायुवर्धक विहार का सेवन करता है, तो वायु की वृद्धि हुई होती है। वायु की जो वृद्धि होती है वो जठराग्नि को यानी कि डाइजेस्टिव पावर को स्टिम्युलेट कर देती है और भूख को बहुत बढ़ा देती है। उसके बाद बढ़ा हुआ जो वायु है वो शरीर में कफ दोष की वृद्धि करता है। कफ और वायु जब बढ़ जाते हैं तो शरीर में धातु की दृष्टि होने लगती है। बिगड़े हुए वात और कफ शरीर की 7 धातुओं को बिगाड़ते हैं। हमारे शरीर की 7 धातुओं है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये हमारी 7 धातुएं हैं। जब इसमें से मेद धातु का इम्बैलेंस होता है तो मेद धातु शरीर में बढ़ने लगती है और शरीर में जो है वो अस्थि और शुक्र धातु जो है वो कम होने लगती है, और इस तरीके से बॉडी में मोटापे का निर्माण होता है। ये आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं, जिन लोगों को मोटापा है वो लोग कौन कौन से डिसीज से सफर कर सकते हैं वो हम देखते हैं। जिन लोगों को मोटापा है उन लोगों को फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिसलिपिडेमिया यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर, फिर यूरिक एसिड बढ़ सकता है, डायबिटिक हो सकते हैं, घुटनों का दर्द, पूरी बॉडी का वेट जब घुटनों पे आता है तो घुटनों का दर्द होने लगता है,
हार्ट रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, उसके बाद इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुषों या स्त्रियों में मोटापे की वजह से बच्चा ना रहना यानी कि प्रेगनेंसी नहीं स्थापित होने की समस्या देखी जाती है जिसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और पुरुषों में अर्ली डिस्चार्ज यानी कि शीघ्र स्खलन की तकलीफ देखी जाती है। अब हम देखते हैं मोटापे के कारण हमने देखे, अब हमको कौन कौन सी ऐसी डाइट जो है वो जिसको अवॉइड करना है अगर हम मोटापे से बाहर निकलना चाहते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को मोटापा है उन लोगों को चाय, कॉफी, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, स्वीट्स, जंक फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और व्हीट यानी गेहूं, इन चीजों का सेवन करना या तो बिल्कुल बंद कर देना है या इनका सेवन करना कम कर देना है। अगर आप रेगुलर दही खाते हैं आपके खुराक में तो आपको दही की जगह पे उसको बटर मिल्क यानी कि छाछ में रिप्लेस कर देना है। आपको बनाना, चीकू और कस्टर्ड एप्पल ऐसे फ्रूट्स को अवॉइड करना है। और कौन कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, एप्पल है, अनार है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, ये फ्रूट्स आप ज्यादा खा सकते हैं। अभी हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, जैसे कि हमको हमारा जो फूड है उसमें ज्यादा फ्रूट्स का इंटेक करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा करना है, मूंग का इंटेक करना, मूंग एक प्रोटीन वाली चीज है जो लो कैलोरी डाइट में आता है। अगर आप लोग जल्दी से जल्दी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो अपना जो दो टाइम का खाना है उसमें एक टाइम आप मूंग को अपने खाने में शुमार कर दीजिए, आप बहुत ही तेजी से अपने वजन को उतार सकते हैं। उसके अलावा ऑयल्स में आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का घी भी है वो आप अपना खाना जो है वो गाय के घी में कुक कर सकते हैं, गाय के घी में खाना कुक करने से भी वजन बहुत फास्ट उतरता है। उसके अलावा आप अपने खाने में सैलेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड्स में आप गाजर, बीट, ककड़ी, कैबेज ये सारी चीजें आप अपने सैलेड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक बात कि आप जो खाना खा रहे हैं उसको आराम से चबा चबा के धीरे धीरे खाना है, बहुत जल्दी जल्दी खाना नहीं है। और खाना खाने के एक घंटे के बाद आपको एक गिलास गर्म पानी लंच और डिनर करने के बाद हमेशा लेना है। और एक बात, अगर आप मोटापे से पीड़ित हैं तो दिन में 3 बार की जगह पे आपको 2 बार खाना खाना है। रात का खाना जो है वो दिन के खाने से हल्का रखना है। अपनी लाइफ में कुछ एक्सरसाइज और योगा का समावेश करना है। इन सारी चीजों से हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ होम रेमेडीज। मैं आपको 2-4 होम रेमेडीज यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जिन होम रेमेडीज को आप रेगुलर इंप्लीमेंट करके आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। जो लोगों का पेट बढ़ा हुआ है उन लोगों को क्या करना है, रोज सुबह 1 कप ग्रीन टी, जब वो ग्रीन टी उबल के तैयार हो जाए उसके बाद उसमें 1/2 नींबू और 1 चम्मच शहद डाल के सुबह खाली पेट पीना है। उससे पेट की जो चर्बी है, पेट का जो फैट है, वो जल्दी से जल्दी कम होने लगता है। दूसरा नुस्खा आपको बता दूं कि जो लोग मोटापे के शिकार है उन लोगों को क्या करना है, सौंठ, अजवाइन और जीरा ये तीनों को समान मात्रा में लेना है। और ये तीनों को समान मात्रा में लेने के बाद खाना खाने से 2 टाइम हम खाना खाएंगे, दोनों टाइम खाना खाने से 1/2 घंटा पहले आधी आधी चम्मच इस मिक्सचर का सेवन करना है। इससे आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। एक आपको तीसरी टिप बता देता हूं, 1 चम्मच नींबू का जूस, 1 चम्मच अदरक का जूस और 1 चम्मच शहद को मिक्स करके सुबह खाली पेट लेने से उसके ऊपर हल्का सा गर्म गुनगुना पानी पीना है। ये आपको रेगुलर करने से भी मोटापा कम होते हुए देखा जाता है। और लास्ट में एक चीज बता दूं, जो हम बटर मिल्क दोपहर को पिएंगे तो हमारा जो बटर मिल्क है उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा पिपली पाउडर, सिंधा नमक और हींग इसको आपको डाल के ये बटर मिल्क आपको पीना है। वो भी आपको मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगी और आपका जो मोटापा है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ये मैंने आपको कुछ होम रेमेडीज बताई दोस्तों कि जिसके माध्यम से आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेद के मोटापे में चमत्कारिक रिजल्ट देखे जाते हैं। आयुर्वेद जो है वो मोटापा कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स, हमारे पास डे बाय डे प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स ओबेसिटी के आते हैं और ओबेसिटी के पेशेंट्स बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स पाते हैं। मैंने अपनी पिछले इतने सालों की प्रैक्टिस में तकरीबन 8 से 10 हजार पेशेंट्स जो है वो सिर्फ ओबेसिटी के अटेंड किए हैं और मोर देन 90% केसेस में आप कह सकते हैं कि जिनको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स हमने ओबेसिटी में प्रोवाइड किए हैं। और आप इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसे पेशेंट के इंटरव्यूज भी देखेंगे कि जो लोगों ने संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल से ओबेसिटी की ट्रीटमेंट करवाई और आज वो है वो अपना ओबेसिटी को रिड्यूस कर चुके हैं। तो मैं आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं।
त्रिफला चूर्ण का सेवन आप रेगुलर कर सकते हैं। एक एक चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन आप रेगुलर सुबह शाम करने से गर्म गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण एक एक चम्मच सुबह शाम लेना है, जिससे भी मोटापा कम हो जाता है। नावक गूगल नाम की एक टेबलेट आती है, नावक गूगल दो दो गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अयस्कृति नाम का एक लिक्विड आता है, ये अयस्कृति का सेवन 15-15 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद 15 ml पानी के साथ मिक्स करके भी आप कर सकते हैं। अगर आपका हाजमा या पाचन ठीक नहीं है और आप मोटे हैं तो आपको मैं दो पाउडर सजेस्ट कर देता हूँ, शिवाक्षर पाचन चूर्ण और हिंगवाष्टक चूर्ण। इसका भी आप आधी आधी चम्मच खाना खाने के बाद सेवन करके अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। आयुर्वेद की पंचकर्म ट्रीटमेंट भी ओबेसिटी को कम करने में बहुत जबरदस्त रिजल्ट प्रोवाइड करती है। आप उद्वर्तन नाम की चिकित्सा है, उद्वर्तन करवा सकते हैं। उद्वर्तन जो सूखे पाउडर होते हैं औषधियों के, उनका मसाज किया जाता है पूरी बॉडी पे और वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के माध्यम से भी मोटापा कम होता है, इंचेस लॉस होता है। उसके अलावा आयुर्वेद की पंचकर्म ट्रीटमेंट के अंतर्गत वमन चिकित्सा और बस्ती चिकित्सा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर वमन और बस्ती करवा के भी अपना मोटापा कम कर सकते हैं, अपनी ओबेसिटी की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे ओबेसिटी के सब्जेक्ट में हमने आपको बताया ओबेसिटी बढ़ने के क्या क्या कारण है, आयुर्वेद में उसके क्या क्या समाधान है और हमारी लाइफस्टाइल में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। अब आइए देखते हैं कुछ ऐसे पेशेंट के इंटरव्यूज के जिन लोगों ने आयुर्वेद के माध्यम से अपना मोटापा कम किया हुआ है। हेलो एवरीवन, मैं पिंटू सेठना नवसारी से, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। वेट लॉस के लिए मैंने पिछले 2 सालों में बहुत सारा जिम किया, डाइट किया, लेकिन मेहनत के मुताबिक मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर मेरे कजिन ने लॉकडाउन के समय में मुझे सूरत के डॉक्टर सोहेल दलाल का रेफरेंस दिया था। फिर मैंने डॉक्टर सोहेल दलाल की मुलाकात की, उन्होंने मुझे प्रॉपर डाइट प्लान और कुछ मेडिसिन दिए थे। उनके अंडर में मैंने 4 महीने में 26 kg वेट लॉस किया। इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करने के लिए डॉक्टर सोहेल सर का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एवरीवन, माय सेल्फ यशराज पटेल एंड आई एम मेडिकल स्टूडेंट। पिछले 6 महीनों में लॉकडाउन के टाइम पीरियड दौरान मैंने डॉक्टर सोहेल दलाल की हेल्प लेकर 30 kg बॉडी वेट लॉस किया था। इस वेट लॉस के लिए उन्होंने मुझे प्रॉपर मेडिसिन एंड अच्छा डाइट प्लान दिया था। इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। मारू नाम आनंद कानापर छे, हूँ एक बिजनेसमैन छू। लॉकडाउन दरमियान मैं डॉक्टर सुहेल दलाल नी मदद थी डाइटिंग अने मेडिसिन्स थी मैं मारू 23 kg वजन घटाड़ू छे। ई बधुं एमनो हूँ खूब खूब आभार मानू छू। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।